यहाँ पे हम लोग आते थे अपना ट्रेनिंग लेने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था। साल है 2004-05 का, जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करती थी। और यहाँ हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ था, किच यूनिवर्सिटी में भी बच्चे आ रहे थे, और आने के बाद ये पूरा जंगल था। मतलब आने के लिए, बिकॉज मेरा कॉलेज वुमेन्स कॉलेज था आपके बगल में ही, KISD, एक ऑटो पकड़ने के लिए हम लोगों को ये डर लगता था कि अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे उस ऑटो से, अपने कॉलेज से पटिया से यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए फॉर अ मंथ। इतना डर कि कहीं दिन दहाड़े अकेले दूर दूर तक आदमी नहीं। गर्मी का मौसम आप लोग जानते हैं कैसा होता है उड़ीसा का। उस मौसम में ट्रेनिंग लेने के लिए खाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं होता था। तो एक आदमी आता था साइकिल में बड़ा हांडी लेके, आप समझ सकते हैं कि वो क्या बेच रहा होगा। थोड़ा ट्राई करिए क्या बेच रहा होगा। संतर तेरे में देंगे नहीं, संतर बड़े ज्ञान से गिदरा को थोड़ा गान इंग आम लिखा गए। तो उना वेट लगी जो तो आबो है सेटल लगी थोड़ा लेट है ना, थोड़ा वो तो चला लेना उना लिंगराज मंदिर रे। और हानते खोन थोड़ा यपम कते ओ कोई सला यपम कते लिंगराज मंदिर रे तो कोई है ना है? हाँ अच्छा बढ़ गया कि ना। अच्छा उना बाद रे उना आशीर्वाद ही आम कते अब वो तो उन्होंने है ना वन अनुडे हे कते नुआ दो चे लेका एकदम चमत्कार लेका नुआ दो एकदम मैजिक लेका नुआ दो छे कना आम दो ओको ही कना आम दो ओको ही कना। इना गिद्रा को मिडी नुआ कैंपस रे इना कटी खोन मरांग आयो बाबा टीचर माने सर लोकसभा सांसद सर CM सर चीफ सेक्रेटरी वाइस चांसलर सर सब माने एठी होचंती। मु मिक्स करी के कहबी एटा मतलब मोर एटा ट्रेंड मु मिक्स करी के कहबी। आज मते एते बोल लागु छी एटा अबो एठी ग्रिड इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना है। मैं जरा मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आते थे अपना ट्रेनिंग लेने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था। साल है 2004-05 का, जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करती थी। और यहाँ हम लोगों का जब ट्रेनिंग हुआ था, किच यूनिवर्सिटी में भी बच्चे आ रहे थे, और आने के बाद ये पूरा जंगल था। मतलब आने के लिए, बिकॉज मेरा कॉलेज वुमेन्स कॉलेज था आपके बगल में ही, KISD, एक ऑटो पकड़ने के लिए हम लोगों को ये डर लगता था कि अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे उस ऑटो से, अपने कॉलेज से पटिया से यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए फॉर अ मंथ। इतना डर कि कहीं दिन दहाड़े अकेले दूर दूर तक आदमी नहीं। गर्मी का मौसम आप लोग जानते हैं कैसा होता है उड़ीसा का। उस मौसम में ट्रेनिंग लेने के लिए खाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं होता था। तो एक आदमी आता था साइकिल में बड़ा हांडी लेके, आप समझ सकते हैं कि वो क्या बेच रहा होगा। थोड़ा ट्राई करिए क्या बेच रहा होगा। दही बड़ा सेटा सेटा वो डिश थीला सेटा ब्रेकफास्ट थीला सेटा लंच थीला। क्योंकि सुबह मॉर्निंग से लेकर के शाम को हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, एंड फॉर उस बीच में खाने के लिए दैट इज़ ओनली द फूड वी हैड, ओनली द फूड। जो आज दिख रही है कल्पना मुर्मू सुरेन, उस समय कल्पना मुर्मू थी वो ऐसी नहीं थी, वो आपके जैसी थी। आपके चेहरे का जो चमक है, आपके शरीर की जो बनावट है, वो आपको ईश्वर ने दी है। लेकिन आप खुद में ईश्वर हैं, क्योंकि आप एक जननी हैं, आपसे आने वाली पीढ़ी बनेगी। और अगर आप बच्चियां, खास करके बच्चे लोग,
मैं आपके पास भी आऊंगी, बस खास करके बच्चियां, अगर आपके अंदर में आत्मविश्वास है और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आत्मविश्वास आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर आज आप जंगल के अंदर से, छोटे से गांव से अगर निकल के यहां तक का सफर अकेले तय कर सकते हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए सर के गाइडेंस से और सारे टीचर, सारे परिवार का साथ होते हुए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। और यहाँ खड़े होके मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मुझे अपना बचपन, अपने स्कूल का समय, अपने कॉलेज का समय, ऐसे ही हम लोग दुपट्टे पहनते थे, दिस इज़ द काइंड ऑफ अ सूट वी यूज टू वेयर, सूट दुपट्टा। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, आज ये करना है, आज वो करना है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी है, सब कुछ है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा। तो वहाँ कोने से बैठे बच्चे, पीछे से बैठे बच्चे, यहाँ से बैठे बच्चे, बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, आपका आत्मविश्वास आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आजकल के जो मेरे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, क्योंकि पहिया एक तो नहीं होता, साइकिल भी चलने के लिए दो चाहिए, ऑटो चलने के लिए तीन चाहिए, गाड़ी चलने के लिए चार चाहिए। तो सिर्फ लड़कियों का अकेला विकास करना आई थिंक थोड़ा अधूरा हो जाएगा, साथ में हम लोगों को अपने युवकों को भी आगे ले जाना चाहिए। आपको भी, खासकर बच्चों, अब तो बच्चे हैं, अपने गोल को, आप जो बनना चाहें, आप जो करना चाहें, आप कोशिश ज़रूर करिए, हारिएगा 100% हारिएगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हार हार के एक बार, दो बार, तीन बार, आप किसी की भी कहानी पढ़ लीजिए, अगर कोई किसी भी तरीके से कामयाब है, अपने क्षेत्र में कहीं भी कामयाब है, तो उसने गिर गिर के ही सीखा है। कुछ भी चीज़ आपके प्लेट में सुंदर से परोस करके नहीं दिया जाता, उसको परोसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को। जैसे अगर आप बोलें कि आपको आने वाले मौसम में सब्जी खानी है, तो किसान मेहनत कर रहा है, वो जूझ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे अपना अपना पेट पालना है, जिसके लिए उसको सब्जी उगानी है, मौसम देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है, खाद देना है, पानी देना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है, आपको काम करना है, हर दिन करना होगा, 0.% करना होगा, लेकिन करना ज़रूर होगा। नहीं करिएगा, जो दूर तक सपना देखकर चल रहे हैं उसको पाने में मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा। चीटिंग करिएगा, थोड़ा सा आप पीछे होइएगा, थोड़ा सा चीटिंग नहीं करिएगा तो आप ही आगे बढ़िएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस सब कुछ बनिए, अपना आत्मविश्वास कभी मत खोइएगा, कभी भी नहीं, ये हमेशा गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। अपना आत्मविश्वास जब लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी आपको आत्मविश्वास ही आपको बचाएगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। चाहे आप एजुकेशन की सारी एकेडमिक्स डिग्री हासिल कर लें, कुछ भी बन जाइए, टॉप के ऑफिसर बन जाइए, नेता बन जाइए, पुलिस ऑफिसर बन जाइए, कुछ भी, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीती हुई चीज़ भी आप ही के वजह से आप हार जाइएगा। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस, वेरी ब्यूटिफुल, एंड बाय द वेदर भुवनेश्वर इज़ वेरी गुड इन द इवनिंग। I'm so glad, I'm so privileged, I'm so touched. I'm seeing all the futures over here, those who are so beautiful, so good, the kids are awesome. I just love you all and thank you so much.
and thank you. Johar, namaskar. अड़ी अड़ी सारा मैडम नित अब कीट और कीसरी निज बुनियादी मानवतान डॉक्टर अच्युत सामंत गोमके तकिन सनाम नेवता पेड़ा को मन सिरपा लगी